दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस। हिमाचली लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने सरकार द्वारा लंबे समय से मांगों की अनदेखी के चलते उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैजनाथ में बैठक कर सरकार परिवहन मंत्री निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संगठन के प्रधान विधि सिंह, महासचिव त्रिलोक चौधरी ने कहा कि आज जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 से 75 आयु पार कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें अपनी पेंशन, मेडिकल भत्तों व अन्य देय भत्तों के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 7,000 परिवार इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 29 मई को चालक यूनियन जो प्रदेश भर में 24 घंटे के लिए चक्का जाम कर रहा है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। दिव्य हिमाचल चैनल का और एक दिल से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारी आवाज को पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज HRTC का पेंशनर अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारे पेंशन साथियों ने 12 मई को मुख्यालय शिमला में धरना प्रदर्शन रखा था। उसके बाद भी मैनेजमेंट और सरकार के कानों में जू नहीं रिंग रही है। उसी दिन सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारे देय भत्तों का निपटारा नहीं करती है तो HRTC के सभी पेंशनर अपने परिवार सहित 8 जून को शिमला सचिवालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथियों, HRTC का MD शायद उनको फुर्सत नहीं है या उनको अनुभव नहीं है इस HRTC का। आज कर्मशाला में टेक्निकल स्टाफ नहीं है, स्टोर में कल पुर्जे नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर नहीं है। जो हमारे साथी ड्राइवर कंडक्टर या पोर्ट सर्विस है उनके लिए तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। 20 और 25 और तारीख को उनको वेतन दिया जाता है। HRTC के जो पेंशनर है उनको दो दो महीने तक पेंशन नहीं दी जाती। तो साथियों, जो इस HRTC का इस वक्त हाल है वो सभी हमारे पूरे प्रदेशवासी रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ रह रही है, कौन क्या कर रहा है। और दूसरा सवाल है, हमारे जो माननीय मंत्री महोदय जी हैं उनके पास एक बहुत बड़ा विभाग है, उद्योग विभाग, तो शायद उनको फुर्सत नहीं है HRTC के देखने के लिए। उनको फुर्सत नहीं है, MD साहब को अनुभव नहीं है, तो HRTC कैसे। जैसा कि आप सभी कर्मठ जो सेवित मेरे सहयोगी साथी है, पहले भी अपनी मांगों के बारे में इस सरकार से धरने प्रदर्शन करते रहे। उसके विपरीत जब सरकार कहते हैं ना सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, तो जैसे कि 4 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन किया था, विधानसभा का घेराव किया, तो ड्रोन के माध्यम से CM ने देखा विधानसभा बैठी हुई थी कि ये जो HRTC वाले जो भी हैं, ये जो हड़ताल कर रहे हैं इनको बुलाओ। तो हमारे जो स्टेट बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे 7-8 आदमी भाई मेरे जो, वो वहाँ पर अपने विधानसभा परिसर में गए। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई जिसमें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, MD, परिवहन के मंत्री जो भी थे वहाँ पर, तो वार्ता हुई। तो उसमें जब परिवहन मंत्री ने पूछा, CM ने पूछा कि भाई HRTC वालों की क्या देनदारियाँ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी ने कहा
कि हाँ जी इनको ड्यूज जो है वो टाइम के नहीं मिलते हैं और काफ़ी देनदारियाँ जो वो दे हैं इनकी। तो जब उन्होंने फिर सीएम ने स्वयं एक्शन लिया तो उसके बावजूद यह है संगठन की बदौलत ही पूरे हिमाचल के पेंशनरों को 19% डीए और 4% आईआर मिला। यह सब आवलों की देन है। तो इस करके आप ही जो है वो माँ वीर हैं। अब माँ वीर बन के आपने जो वो आगे भी ये प्रदर्शन करना है ताकि सरकार झुके। इस वक्त एचआरटीसी में 7,000 इम्प्लाइज हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूँ कि 7,000 इम्प्लाइज नहीं है, 7,000 परिवार हैं। तो ये 7,000 परिवार जो हैं ये सरकार की जो वो दिशा बदल सकते हैं। ये सरकार को जो है वो पूर्व इलेक्शनों से और आने वाले समय से पूर्व पहले ही इनको ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है कि कर्मचारी जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम कर्मचारियों ने भी अपने जवानी के दिन जो थे वो इस एचआरटीसी को सीजन में लगा दिए। जब बुढ़ापा आया तो हमें सड़कों के ऊपर दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने मजबूर कर दिया है। आज दिन तक पेपरों में जो भी समाचार आते हैं उसके बारे में ना तो परिवहन मंत्री की ओर से और ना तो मुख्यमंत्री की ओर से हमारे भाइयों के बारे में कोई भी शब्द जो है वो हक में जो है वो नहीं किए जाते हैं कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं। पे स्केल की बात है, कई ऐसे डिपार्टमेंट है उनको पे स्केल जो था वो न्यू मिल गया, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कब साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा। ये सरकार की ये प्राचीन सोच है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट। ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस, धनास बैरियर, चंडीगढ़। अच्छी क्वालिटी, सही दाम, यही है हमारी पहचान। कजारिया, सोमानी, जॉनसन। हमारे यहाँ पर टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, लाल स्टोन, नलके, चिमनी, मिरर सिंक, पाइप, गीजर होलसेल रेट पर मिलते हैं। संपर्क करें ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस। हमारा नंबर है 8283023162 या 7696390696 या 8219081266।